उससे पूछा कि आपने ये क्यों किया, पैसे वैसे जो आपने मांगे मतलब किस पर्पज से मांगे, तो उसने बोला कि गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। पीछे का सब ब्लर हो रहा होगा ना, सिनेमैटिक में शूट कर रहा हूँ मैं ये वाली क्लिप, अब देखो नॉर्मल दिखाऊँ। एवरीथिंग्स नॉर्मल भाई। मम्मा क्या बना रखा खाने का? आलू मेथी। यार ये तो बहुत पुरानी सब्जी है, दिखाइयो। पुरानी मतलब पहले खाया करता ना मैं तो इसको, तो फिर नूनी की ना है, है? तो नूनी की क्यों डाल के दे रहा हूँ? देऊंगी वो रखा तो। यो मोटे नई रोटी बनाना, तने यो चुपड़ दी। अरे बेटा मैं दूसरी बना दूंगी, दूसरी दे दो, तू खुश रह बस। हां दूसरी दे दो मेरे को, और गुड़ भी दे देना और चाय भी दे देना। भाई जैकेट कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, आपने कैसी लगी मम्मी जैकेट? अच्छी है। अभी तो कह रही ऐसे गले की मत लेकर, मैंने क्यों, उन्होंने कह रही मुझे नफरत है। वाओ मम्मा वाओ। भाई अपना सारा बैग पैक, एक बैग निकल चुका मेरा चंडीगढ़, दूसरा बैग हमारा ये हो रहा, अभी कटारी आ रहा मेरे को लेने, क्योंकि गाड़ी मेरी चली गई चंडीगढ़। अमीरी हाँ, तो फिर वो तो अच्छी लगेगी, वो क्यों बुरी लगेगी? वो कहाँ है मर्सिडीज की चाबी देना एक बार, मेरा पर्स रहेगा उसमें, पर्स निकाल के लाते गाड़ी को, अलविदा कहते हैं थोड़े दिनों के लिए, चलते हैं काम धंधा शुरू। मैं भाई इससे भी कह दिया अलविदा, इसको करता फोन को बंद, चल भाई है मिलते हैं, बाय बाय। भाई मोटर ने उतरवा दी, कह रही उतार दे, गर्मी पड़ रही है, उतरवा दी जैकेट, कह रही ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई मोटो, मिलेंगे तेरे से कुछ दिनों बाद। ओके ठीक है, इतना अपना ख्याल तो रखी ले भाई तू। कुछ खाने का दे दे, सेब वेब दे रहे थे आप मुझे, ठंडा है यार मम्मा, ठंडा दो ना कुछ। आप भाई आज की सब्जी भी बड़ी खराब बन रखी थी, आज की छाए भी खराब थी, सब्जी छोड़ो छाए तक खराब थी, पता नहीं क्या क्या मिला रखा उसमें, और सेब भी ठंडे ना रखे। वैसे गर्मी में मेरी जैकेट उतरवा दी, पर सेब ठंडे नहीं दे। बेटा सर गर्म बन जाओगी ना, तो इस मौसम तो मेरी जैकेट पहन लेना, खांसी इतनी बुरी हो रही तो दूसरी वाली पहन लेना, हल्की वाली। ओ माय गॉड मम्मा, हल्की वाली पहन ले। चलो ये परफ्यूम लो, परफ्यूम खा लो। कटारिया आने वाला, कटारिया इज ऑलवेज लेट, यू नो ऑलवेज लेट। निकल रहे हैं भाई सारे भाई जने, फिर मौज काटेंगे चंडीगढ़ में, गाना शूट करने जा रहे हैं बहुत तगड़ा, वो पता कौन सा, रैप बैम तेरा दे मैं कैड, सिस्टम हम दे मैं पैड, डर है किसी के बाप तैना, गुद्दी पे मारे तैड़ फैड। ये वाली तो बहुत यूज होगी, रहने दो इसको ना भाई। अभी अभी बदमाशों का फोन आया था कटारिया के दौरे, अभी किस दौरे, तेरे दौरे भाई, भी तो कटारिया इंटरनेशनल नंबर। क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई बढ़िया, और आप बताओ? ये देख इंटरनेशनल गुड माय ब्रदर, तो दो तीन नंबर रिवील हो गए, तेरा नंबर रिवील थोड़ी होगा। तो ये तो किसी का ऐसा ही नंबर है, कंपनी कंपनी का, इसको फोन करके क्या मिलेगा भाई। हम पहुंच जाएंगे कितनी देर में? 31 मिनट में, 5 बजे से पहुंच जाओगे, और 5:45 की फ्लाइट है, प्रोटोकॉल बोल दिया है। फिर गर्मी लगन लगी, मैं तो छोड़ दिया भाई। मेरे तो एक दिक्कत होगी, जैसे यहाँ की मैं दाढ़ी सेट करवाऊँ, मैं यहाँ की कटवाऊँ, तो इसकी ग्रोथ ना बहुत जल्दी हो जा, मतलब 2 दिन में उल्टी आ जावे, तो क्या करूँ इसका, लेजर करवा लूँ क्या? इसका मत करवा कुछ, मैं फालतू फंड के ये पैसे वाड़ों के जोश ले रहे हैं, लेजर पेजर ये ट्रीटमेंट फ्रीटमेंट ना, कटवा अपना खत्म बात, छोटा सा जवाब कटवा ले जब यार, हर 2 दिन में थोड़ी नाई के जा जाओ, पर न्यू सिस्टम है, गैल डोला नाई एक अर्चित को रख ले, गैल अर्चित भी तो नाई है, अर्चित तो वो वाला नाई है जो नोता देवे। ले भाई आ लिए, गाइस हम हो गए लैंड भाई चंडीगढ़ में, और भैया आ गए लेने। क्या हाल है भैया? बढ़िया सर। कहाँ से हो भैया आप? मैं मोहाली से ही भैया। अच्छा मोहाली से ही हो आप भाई, मोहाली बड़ा खुला खुला रहता है, चंडीगढ़ में इतना जाम कैसे है यार? इस टाइम पे तो ट्रैफिक रहती है भैया। मोहाली देखो कितना खुला पड़ा, पूरा मस्त मौज आ जाएगी। अभी तो जा रहे हैं भाई सीधा अपने होटल, हमारा होटल इस बारी अलग जगह, इस बारी हम उधर हैं, कौन सी जगह कटारिया, धर्मपुर, ये बैंगलोर, सुंदरपुर, बैंगलोर में इस बार हमारा होटल। अंडमान जा रहे हैं, इसके बाद काड़ा पानी की जेल होगी कटारे के सून। ओ माय गॉड सुन तो ले भाई, अभी लक्ष्य अर्चितर तो 2 घंटे लगेंगे, वे देख कितने पहले निकले थे, अब क्या 8-8 घंटे में पहुंचेंगे क्या चंडीगढ़ ये भाई? कब है खाओ लोग, 2 घंटे दूर है यहाँ से भाई, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था इनको, कह रहे बम्पर ठीक करवा रहे थे हम तो।
बम्पर ठीक था भाई उसका, पर चलो कोई बात नहीं, होटल पहुंच के आगे की कार्रवाई आगे। मेरे तो पिंपल होगा। और एक फ्रेंच फ्राइज। गाइस एक बढ़िया पार्टी में जा रहे हैं हम। और अच्छे तो है, तू क्या पिएगा रक्षे? जहर जहर पिएगा, जहर। वर्जिन मोहितो, वर्जिन मोहितो पी रहे हो तुम सब? वंश तू क्या पिएगा? जहरीला मोहितो पियो, जहरीला मोहितो। एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम तो मेरी एक वो मंगा देना भाई, एक जहर की बॉटल और उसका ड्रॉपर, ऐसे ऐसे यूं यूं करके पीऊंगा। और चॉकलेट का बॉर्नविटा हमारी ड्रिंक में मिलाओगे भाई? बॉर्नविटा मिल्क नहीं पीना, आज बॉर्नविटा मिल्क कर दो। बॉर्नविटा मिल्क कौन पीता भाई? वो मंगा बूस्ट, पूछे बूस्ट है। स्पेशलिस्ट कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। बूस्ट है, बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सीक्रेट बूस्ट सिगरेट ऑफ माय एनर्जी। ये तो बात सही कह दी तूने, बूस्ट सिगरेट ऑफ योर एनर्जी। मैं एक मिनट रुकना, ये आप मेरी इमेज जो खराब करते हो ना बार 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 बार, ये छोड़ दो, ये मेरी इमेज खराब मत करे करो। इमेज तो उसकी खराब हो करे जिसकी इमेज हो। कॉफी, हॉट कॉफी और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज कर दीजिए और बस यही। राजा आ रहा का राजा, फ्राइज, वर्जिन मोहितो, कोल्ड कॉफी और हेलो इसकी बात नहीं सुन रही बंदी Snacks? भाई तो फ्रेंच फ्राइज कर दो, इसका हो जान दो पहले ना, और पापड़, मसाला पापड़ चखना भी तो चाहिए भाई को। करेक्ट करेक्ट, मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो वाली बात पता लगी कि जो गैंगस्टर है वो कौन सी गैंग का है, वो उसने क्यों करा है, सारी मेरे पे अपडेट आई है। अच्छा, भाई अपडेट ये है कि वो बंदा है ना वहाँ का, गुजरात का, गुजरात का। ये तो अखबार में भी है, जो बात अखबार में नहीं, नहीं वो मेरे को आ चुकी रिपोर्ट, मुझे तेरे पे भी आ गई रिपोर्ट, आ गई सिर्फ रिपोर्ट रिपोर्ट आ चुकी है। गुजरात का बंदा, उसका पापा क्या करे, वो क्या करे, इसने किस तक ये बात करी, वो सारी चीज मेरे को पता है भाई। उसकी खबर निकली जो भाई जिनने धमकी दी थी मेरे को, वो भाई तो है, बहन थोड़ी है वो, जो भी है वो शाकिर मकरानी, शाकिर मसरानी फ्रॉम गुजरात। हाँ तो वो कौन सी गैंग का है, मतलब सारी चीज़ें पता करी। वो आरटीओ एजेंट है, उसके फादर भी आरटीओ एजेंट है, उसका फादर का नाम है शाकिर, नहीं शाकिर तो उसका खुद का नाम है, उसका फादर का नाम है जाकिर। उसका नाम सुनकर तो लग रहा था किसी और चीज़ का एजेंट था वो। जो भी है आरटीओ एजेंट थे बाप बेटा है, मतलब आरटीओ एजेंट है, कोई और एजेंट है, कोई और एजेंट हो, बर्बादी का एजेंट जो भी है, अपनी बर्बादी करवा ली पर उसने यार। उनने क्या करा, आरटीओ में से जैसे नंबर प्लेट से वो निकलती हैं, फ़ोन नंबर निकलता है, जो भी निकलता है, उनने वहाँ से वो सारी चीज़ें करी। और उसके बाद जब उससे पूछा कि कोई किस कौन सी गैंग से हो, अभी मतलब पूछताछ चल रही है, कोर्ट वगैरह में पेश करेंगे, तो अभी किसी गैंग का कोई लिंक नहीं निकला। दूसरा उससे पूछा कि आपने ये क्यों किया, पैसे वैसे जो आपने मांगे, मतलब किस पर्पज़ से मांगे, तो उसने बोला कि मुझे पैसे कमाने थे जल्दी जल्दी, तो शॉर्टकट, ये शॉर्टकट था उसका कि किसी को धमकी देके शॉर्टकट से पैसे मांग लो, उसको लगा था बहुत इजी है कि अकाउंट पर उसकी रिमांड जो ली है ना, तुम गलत हुआ, खुद की वजह से ही उसकी रिमांड जो ली गई है ना, मैं बता भी सकता हूँ साथ, फिर पुलिस जब रिमांड लेने पावे ना तोड़ देवे भाई। सीआईए वाले तो तोड़े हैं, पहले तोड़े फिर पूछे हैं, रोलर लगा दें पीछे, हरकत ही ऐसे तो तोड़ेंगे ही, बहुत गलत बात है पता है क्या। और एक एक जैसे मैं कहीं पे न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके नीचे कमेंट आ रहे कि ओहो राव साहब तो धमकी दे दी, बस हिल गया सिस्टम, सिस्टम तो हमने हिलाया। तुम्हें क्या लग रहा मैं उसको गोली मारूंगा पर्सनली जाके कि वो किसी ने मेरे को धमकी दी मैं गोली? भाई साहब इस देश में कानून चलता है, डेमोक्रेसी है, कानून बहुत बढ़िया है हमारे देश का, जो हमारे साथ है। फिर भी कह रहे सिस्टम ही है, ठीक है तो थोड़ा देख के। तो 12 घंटे तो पहले गुजरात तक गुड़गांव आ लिया भाई, बहुत कम टाइम में पकड़ा, उस टाइम में वहाँ कार्रवाई करी, ये सारी चीज़ ना 12 घंटे के अंदर भीतर ठा लाए थे उसने गुजरात से, कहने का मतलब यू है, तो देख के थोड़ा जो करो ना, थोड़ा कटारे तो वो कर गया। आओ बाजी, हाँ बाजी ना कर भाई, मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट नहीं होता ब्रो, शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी ना, सारे भाईचारा निभा के रखो, अपना मेहनत करो। हाँ मेन चीज़ है मेहनत करो यार भाई, ऐसे शॉर्टकट से किसी से, मैं तो सबको बोलना चाहूँगा कभी भी लाइफ में भाई ऐसी कोई चीज़ लगे ना कि इलीगल चीज़ों से पैसा आ रहा है, तो भाई वो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए भाई। इलीगल जहाँ पे नाम आ गया तो ये समझ लो पुलिस तुम्हारी गैल लग गई, तुम्हारे दिमाग में आ गया तो ये सोच के करना कि तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है किसी न किसी वे में, अगर तुम किसी इलीगल राह पे चल रहे हो तो। तो और ख़ासकर भाई मत ही करो यार, मैं राम का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। हाँ सभी राम का नाम लेना, वर्क ये नहीं कि कुछ कुछ लोग राम का नाम ले रहे, सब राम का नाम लेना और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और कोई अभी मौज काट है,
पैसा कमाओ मौज, फिर बोल दी पैसा कमाओ मौज काटो, फिर कोई पैसा कमाने का। अरे तो ऐसे नहीं, मतलब मेहनत करके भाई, आइडियाज आइडियाज लाओ, हार्ड वर्क को रिप्लेस करो स्मार्ट वर्क से, और ये देखो कि कैसे कैसे हम लोग अपना पोटेंशियल यूज कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट वे। भाई सब पे दिमाग है, सब पे हाथ पैर हैं। अब उसने क्या गलती करी, धमकी दे दी, धमकी भी चलो धमकी भी हमें दे रहा, पैसे पूछेगी कि पैसा दे दे। नहीं यार भाई, गरीब आदमियों से पैसा मांगते हो तुम, अलग से यार अर्चित से पैसा मांगो। वार बना पैदा इन पे, इनके 10 किले सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर में ना तुम्हारे 10 किले, 1 किला 5-5.5 करोड़ का, 50 करोड़ का आदमी हो रहा। पैसा मांगने हो तो इसके दोहरे तो जाए करो मेरे भाई, यहाँ गरीब दोहरे आ जाते हो, हम 13-13 हज़ार गद्दे पे लड़े हैं। हम तो वो वाले जो पैसा तुमसे निकलवा ले। ना ना भाई, हमें किसी और का पैसा भी ना चाहिए। आज मैं कौन सी को पढ़ रहा था कि हराम की कमाई सिर्फ 2 जगह निकला है, अर्चित के बिस्तर में। हाँ यार भाई, एक बात बताता हूँ, बहुत तरीके हैं इस दुनिया में इलीगल तरीके से पैसा कमाने का, बहुत तरीके, एक नहीं बहुत, और हो भी जाती हैं, कामयाब होती हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें, बट उसका फ़ायदा नहीं। उसका फ़ायदा क्यों, हराम में निकलेगा पैसा सारा, पैसा आता वैसे ही चला जाता। एक बात शेयर करूँ तुम सबसे भी, एक ना वो चलते हैं स्कैम वाले कॉल सेंटर, पता तुम्हें वाली बात, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, स्कैम वाला कॉल सेंटर चलाते हैं, उसमें क्या होता है, फोन करते हैं अंग्रेज वंग्रेज के पास, उनकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बुड्ढे बुड्ढे अंग्रेजों के, फिर उनका निकला है पैसा, वे लंगड़े लूड़े पापा तो हंसी तो आ रहा साला बीच में, पूरी सुनना भाई। एक ना स्कैम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कॉल सेंटर्स खोल रखे लोगों ने अपने घरों में, तो और वो इलीगली कॉल करते हैं अंग्रेजों को, और उनको बेवकूफ बनाते हैं कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, उस कंपनी से बोल रहे हैं, और उनका पैसा खाते हैं, बेसिकली उनके कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, उन पर जितना पैसा पड़ा होता है डॉलर्स में वो अपने पास ले आते हैं, एक तरीके से किसी दूसरे का पैसा अपना बना लेते हैं, ये है वो धंधा। और तुम मानोगे नहीं एक एक दिन में इनकी कॉल सक्सेसफुल हो जाए तो कम से कम एक एक दिन की कमाई बता रहा हूँ, 1-1 करोड़ रुपये प्लस भी होती है। अरे मेरे को पूरा पता है भाई, चिट्ठा इसका नहीं, मुझे बहुत टाइप की चीज़ों का पता है यार, कौन सी चीज़ें कैसे निकलती हैं, ठीक है। एक दिन में मान लो, और बहुत लोग हैं जो 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, और किसी अपने नीचे बंदे छोड़ के जो भी है, पर जो इसका रिजल्ट निकलता ना है तो हराम की कमाई। किसी अगर तुम किसी तेर से कोई पैसा ले ले वापस ना दे, दिल से हाई नहीं मारेगा तू? ऐसे थोड़ी कि साढ़ा अंबानी के बालक निकट गए, किसी का सारा तेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दे, ऑल दो तेरा खाली है, मान ले तेरा बैंक अकाउंट खाली कर दे और वापस ना आ रहे हो पैसा, तू साढ़े घूमता रह जाए इधर उधर कि भाई पैसा ना, कितनी तेरी मेहनत की कमाई चली गई और किसी की हराम की कमाई में जुड़ गई, भाई बंदे के दिल से हाय निकलती है। वो तो कर्मा अपनी जॉब करता ही है। कर्मा तो भाई अपनी जॉब करता, कर्मा तो हमसे बढ़िया कौन बताएगा, कर्म हमारी गैल बैठा कई बार तो, कर्मा हुक्का पीवे और हमारे हूँ मैं हुक्का दे दे कई बार तो, कटारियार का तो कहीं और भी दे दे पीछे भी बहुत भाई, कर्मा से तो बच के रहो। तो ये भाई हराम की कमाई भाई, जो हराम का पैसा रह रहा है, और मेन रिजल्ट तो सुन ले भाई, किसी के किसी तरह निकले, क्या तो डबल निकले, किसी के बीमारी में निकले, किसी के बालकों में दिक्कत रहे, जो बालक बूढ़क बहुत दिक्कत परेशानी रहे। तो भाई जब भी कभी ऐसा मन सोचो ना तुम कि भाई हम इस तरीके से जल्दी पैसा आ रहा होगा, खत्म हो जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, किसी लायक नहीं बचोगे भाई। मेहनत कमाओ, मॉरली मेहनत कमाओ, और ये पार्ट आ रही है, और क्या कह रहा था, मेहनत करो पैसा कमाओ यार, और सिस्टम हैंग करो भाई, मौज काटो। आज के लिए तुमने सोच रहे हो एलिस भाई, घना ज्ञान दे दिया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैं कह रहा हूं कौन करेगा, जवान ज्यादा लड़का आती है आपके, क्या जवान क्या करेगा, रुको तुम जैसों की बेइज्जती हद हो गई, कोई बात नहीं है, कल भंडारा सुबह 1 बजे। हाँ यार भाई, जिसको नहीं पता, जो नई ऑडियंस जुड़े बताते हैं, पिछले 2 साल से हम लोग बोलने चाहिए, मुझे हर बार मतलब कई बार बोल चुका, बट फिर भी इसका मन करे, भाई की एनजीओ है, डोनेट कर सकते हो आप, बेशक 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार। ये ना करना, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं करूँ, कल कल के उसमें भाई दाल चावल छोले चावल काफ़ी चीज़ें हैं, तो भंडारा हर सैटरडे भंडारा होता, पिछले 1.5-2 साल हो गए, दो साल बारिश हो गई, धूप आ रहा हो, कुछ भी आ रहा, एक दिन तो बर्फ पड़ गई, बर्फ पड़ गई एक दिन गुड़गांव में, बर्फ पड़ गई हमारे यहाँ पे, ओड़ो को बर्फ कहते हैं ना, लिटरली बर्फ पड़ी थी भाई उस दिन, तो उस दिन भी भंडारा चल रहा, मैं देख रहा हूँ बर्फ में सब दब रहे हैं, हर गाड़ी दब चुकी है, फिर मैं देख रहा भंडारा तो नहीं दब गया भाई, भंडारे के कुछ नहीं हुआ, भंडारा चल रहा था भाई एनजीओ का, क्योंकि भंडारे में नीचे कढ़ाई गर्म हो रखी, वो सारी बर्फ पिघला दी उनने, तो उस दिन हमने आइसक्रीम भी दी होगी या फिर कोल्ड कॉफी आइसक्रीम, क्या बात है, क्या बात
क्या हो गया भाई? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चीता, चलो चीता ही कहते हैं आजकल तो नए आ गए मार्केट में। देखे भैंसा ही कहते हैं, शेर शेरनी कौवा सबसे बड़े आया कल कल कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं क्या है? अच्छा वो ही कहते हैं। एक मैंने देखा कि नुकरा नवर क्या कह रहा हूँ, छिपकली कहते हैं, एक कह रहा लोमड़ी कहते हैं, तो हम भी कोई कोई जानवर बन जाते हैं। केला ग्रुप है हम तो भाई, केला ग्रुप तो अलग है कि जानवर तो बन जाओ। क्या ही केला ग्रुप में छिताई बज रही थी अभी एक दूसरे की छिताई बज रही थी। इन्हें बहुत मारा मुझे, केला के ई को मारा इन्हें। पता क्या बन गया तुम? के कटारिया के कला ग्रुप ने मारा कला ग्रुप तो पिट रही थी ई बग रहा था कला ग्रुप ने बहुत मारा भाई ई को मेंटली मेंटली नॉट फिजिकली। और ई कह रहा ऐसे बदला ले रहा था मुझसे। इट्स ओके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। केला केला ही कहते हैं।